अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा लर्निंग पॉइंट पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शीट के हवाले से। जैसे कि ये शीट बनाई गई है, पेपर एक बनाना, हमने एमएस वर्ड में ये पेपर बनाया, तो उसके लिए हमने कैसे बना सकते हैं, तो चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद पेज लेआउट पर जाना है हमने। पेज लेआउट पर जाने के बाद हमने पेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद मोर पेपर साइज हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आने के बाद हमने मार्जिन पर जाना है। मार्जिन पर जाने के बाद यहाँ पर देखें टॉप वन इंचेस लगे हुए हैं, हमने यहाँ से 0000 करके ओके किया। फिर हमने ये जो एक टैब खुली है इसको इग्नोर किया। हमारे ये देखें बिल्कुल फर्स्ट में कर्सर अपना चला गया है। अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो बिल्कुल नो मार्जिन आता है। तो इसके बाद हमने आना क्या है, इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद टेबल्स पर जाना है। टेबल्स पर जाने के बाद ये हमने कुछ टेबल्स लगा लिए। टेबल्स लगाने के बाद हमने इनको सिलेक्ट किया। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे टेबल्स को, यहाँ से कर्सर से आसानी से पकड़ के। इसके हम लेआउट पर गए हैं। लेआउट पर जाने के बाद हमने इसकी हाइट का करना है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो हमने इसको थोड़ा सा खोल यानी कि ओपन करना है, तो उसके लिए हमने 0.38 का मार्जिन लगा दिया इसके। इसके बाद हमने लास्ट टैब पर आकर हमने इंटर अपना टैब बटन दबाएंगे तो ये आगे पेज बढ़ता जाएगा ऑटो। फिर इसके बाद हमने इंसर्ट किया, शेप्स पे जाना है। इन शेप्स पर जाने के बाद हमने एक लाइन पकड़ी, हम शिफ्ट की मदद से पकड़ेंगे ये लाइन ताकि बिल्कुल ये लाइन सीधी जाए। शेप पर फिराए लाइन और शिफ्ट दबाया हमने, ये बिल्कुल सीधी लाइन लग गई। इसके हमने आउटलाइन जो है रेड कर दिया। रेड करने के बाद हमने इसकी फिर शेप आउटलाइन पर गए हैं, वेट पर जाकर 1 PT कर दिया। कंट्रोल दबाकर हम ऊपर की जानिब एक और लाइन कॉपी कर देंगे यहाँ पर। फिर हमने फिर इंसर्ट पर जाना है, साइड के हमने लाइंस लगानी है। वो हमने एक मार्जिन यानी कि 1 इंच जो हमारे पास ये आ रहा है इसके मुताबिक हमने लाइन लगानी है। शेप्स पर आए हैं, फिर हमने शिफ्ट दबाकर ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली है। फिर हमने इसके जो है कलर रेड कर दिया। वेट पर आकर इसका हमने 1 PT कर दिया। फिर हमने इसको कॉपी किया और इसको थोड़ा सा क्लोज कर लिया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने आना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हमने फिर शेप्स पर आना और हमारे पास जो ये है शेप राउंडेड वाली, हमने इस पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर इसको ड्रा कर लिया। शेप फिल को हमने नो फिल कर दिया, ये हमारे पास नीली हो गई। इसको आप रेड भी आउटलाइन कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, क्योंकि रेड ज़्यादा प्यारी लगती है। फिर हमने इस पर क्लिक किया और हम इंसर्ट पर गए। टेक्स्ट बॉक्स पर आकर हमने एक टेक्स्ट इसमें यानी कि ड्रा किया एक बॉक्स, जिसमें हमने लिखा है डेट और हमने डॉट डॉट छोड़ दिए। फिर हमने इसी को उठा के कॉपी कर लिया और यहाँ से हमने इसको कर दिया पेज। अब हमने इन दोनों फील्ड को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से शेप आउटलाइन पर आकर इसको नो आउटलाइन कर दिया, तो हमारा जो पेज था या फिर हमारी जो शीट थी वो हो गई है तैयार। तो ये सिंपली एक तरीका होता है जिसे हम अपना जो पेज है वो ड्रा कर सकते हैं, शीटें तैयार कर सकते हैं। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।